नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आइए मित्रों, अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। हरिण शावक, हिरण का बच्चा, मृग छौना, आस्तरण, बिछौना, गद्दा, कुलांच, चौकड़ी भरना, घृत, घी, भांजन, पात्र, बर्तन, अनुसरण, पीछे पीछे चलना, सामुद्रिक, हस्तरेखा विद्या, ज्योतिष, आखेट, शिकार, पार्वत्य, पर्वतीय, अपवाद, निंदा, व्यथित, दुखी, तल्प, शैया, अटारी। अब उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो इसका सही आंसर है दंतुल। सही आंसर क्या है? दंतुल। फिर दूसरा है, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर कालेप लगाना चाहता था, तो इसका सही आंसर है क्या है इसका बच्चों? सही आंसर द, ध्रुत। अब तीसरा देखेंगे, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, यह वाक्य कौन किससे कहता है? इसका सही जवाब है, यह वाक्य दंतुल है, वह किससे? कालिदास से कहता है। प्रश्न चार, उज्जैनीय की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? इसका सही जवाब है अ, ऋतु संहार के लिए। प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कालिदास कौन थे? सही जवाब है, कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। प्रश्न दो, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? जवाब, हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। प्रश्न तीन, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? जवाब, कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। प्रश्न चार, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? अंत में मल्लिका से कालिदास का परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? जवाब, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, जिसके कारण वह पूरी तरह से भीग कर वापस घर लौटी है, इसीलिए मल्लिका यह अनुमान लगाती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। प्रश्न दो, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? जवाब, दंतुल उज्जैनीय राज्य का
राजपुरुष था। उसके बाणों से एक हिरण शावक घायल हुआ था। घायल हिरण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आकर बैठ जाता है। कालिदास उसे मल्लिका के घर तक लेकर आते हैं। रास्ते में हिरण शावक के खून की बूंदें टपकती रहती है। उस खून की बूंद को देखकर राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते खोजते मल्लिका के घर पहुंचा। प्रश्न 3, मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों रोका? जवाब, दंतुल हिरण शावक को पाने के लिए कालिदास से हठ कर रहा था और वह उसे पाना चाहता था। प्रश्न 3, मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? जवाब, दंतुल कालिदास से अपना घायल हिरण शावक लेने के लिए जिद कर रहा था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हिरण को पाना तुम्हारे अधिकार का प्रश्न है, परंतु कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना यानी सहानुभूति का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। प्रश्न 4, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? जवाब, दंतुल राजपुरुष था और जिस क्षेत्र में उसने हिरण का शिकार किया था अर्थात हिरण शावक का शिकार किया था उसे नहीं पता था कि इस क्षेत्र में हिरणों का शिकार नहीं किया जाता है या हिरणों का शिकार करने की मनाही है। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था इसलिए उसे यहाँ के नियमों की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हिरण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देता है। प्रश्न 5, उज्जयिनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? जवाब, उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लिए लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं खुद इस ऋतु संहार को पढ़ा था और उसकी तारीफ की थी, इसीलिए उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, घायल हिरण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? जवाब, जब राजपुरुष दंतुल से हिरण शावक घायल होता है अर्थात राजपुरुष दंतुल के तीर से हिरण शावक जब आहत हो जाता है घायल हो जाता है तो वह उछलकर कालिदास की गोद में आकर बैठ गया था। जैसे ही कालिदास ने उस घायल हिरण शावक को देखा तो उसके बदन सहलाने लगा और उसे सांत्वना अर्थात धीरज देने लगा, जैसे कोई छोटे बच्चे को प्यार से पुचकारता है। फिर वह उसे मल्लिका के घर लेकर जाते हैं और वहाँ उसे थोड़ा दूध पिलाते हैं, जिसके कारण उस हिरण शावक को थोड़ी सी राहत मिलती है।
जब वह मल्लिका के घर है रहते हैं उसी समय राजपुरुष दंतुल वहां पर आकर घायल हरिण शावक को मांगने की जिद करता है क्योंकि वह उसकी संपत्ति था। परंतु कालिदास उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस पवित्र पर्वतीय प्रदेश में शिकार करने की सख्त मनाही है और कालिदास राजपुरुष दंतुल की किसी भी प्रकार की परवाह ना करते हुए हरिण शावक को लेकर अपने साथ निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रश्न 2, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? जवाब, कालिदास एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति थे, अर्थात वह दूसरों की कष्ट और पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनके दिल में प्राणियों के प्रति बहुत अधिक प्रेम था। वह इस पवित्र भूमि के निवासी थे जहाँ पर पशु पक्षियों को अपनों के मित्र की तरह रखा जाता है या माना जाता है। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता है। एक घायल हरिण शावक को देखकर वह स्वयं बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करते हैं। उसे हर हालत में हर दशा में बचाना चाहते हैं या उसका प्रयास करते हैं। वह राजपुरुष दंतुल से भी उस हरिण शावक को उन्हें देने के लिए स्पष्ट इनकार कर देते हैं। उनका मानना था कि यह घायल हरिण शावक इस पवित्र भूमि की संपत्ति है, वह उसे दंतुल को नहीं दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि कालिदास को प्राणियों के प्रति बहुत अधिक अत्यधिक प्रेम था। जो व्यक्ति प्राणियों से इतना अधिक प्रेम करता है वह क्या हरिण शावक को बचाना नहीं चाहेगा? वैसे भी हर एक व्यक्तियों को मूक प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। प्रश्न 3, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। जवाब, राजपुरुष दंतुल के तीर से हरिण शावक घायल हो जाता है और वह उछलता हुआ कालिदास के पास आ जाता है। कालिदास उस घायल हरिण शावक को अपनी गोद में उठाकर मल्लिका के घर में ले जाते हैं। रास्ते में खून की बूंदें टपकती है। उस खून की बूंदों के सहारे दंतुल है वो मल्लिका के घर पहुंच जाता है और कालिदास से घायल हरिण शावक को वापस लेने की मांग करता है। उस समय दोनों के बीच में संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि मैंने इसे अपने तीर से घायल किया है, इसलिए यह मेरा शिकार है और मेरी संपत्ति है, तो तुम मुझे इसे वापस लौटा दो। परंतु प्रति उत्तर में कालिदास कहते हैं कि सबसे पहले तो जिस क्षेत्र में तुमने इस हरिण का शिकार किया है, इस क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता है और इसलिए तुम अपराधी हुए। परंतु तुम बाहर के आए हुए लगते हो और इस नियम के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते हैं। पर फिर भी दंतुल जबरदस्ती उनसे हरिण शावक को पाने की जिद करता है और कहता है कि क्या तुम गांव के लोग ग्रामीण हैं वह इस बात का निर्णय करेंगे। ऐसा कहकर वह राजपुरुष होने के अधिकारों की धौंस उन पर जमाता है। परंतु कालिदास है वह हरिण शावक को किसी भी कीमत पर दंतुल को नहीं देना चाहते।
क्योंकि वह मानते थे कि यह इस पवित्र भूमि की संपत्ति है। इसके बाद वह हरिण शावक को अपने घर पर लेकर निकल जाते हैं। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। जवाब, कोई भी शिकारी जब शिकार करता है और कोई व्यक्ति किसी की जान बचाता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब शिकारी किसी का शिकार करता है तो वह, अर्थात शिकार करता मतलब किसी भी प्राणी के शिकार करता है, तो उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह उसे अपने मनोरंजन का साधन मानता है और साथ साथ अपनी बहादुरी मानता है कि किस तरह उसने एक जानवर का शिकार किया। और जब वह शिकार कर लेता है तो उस शिकार पर वह अपना हक या अधिकार समझता है। इसके ठीक विपरीत यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति होता है, सहानुभूति पूर्ण, किसी भी पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति होता है, वह किसी के प्राणों को लेता तो नहीं है, परंतु किसी प्राणी के प्राण यदि संकट में पड़ जाएं तो उसे हर कोशिश में बचाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह उन अधिकार लेने वाले व्यक्ति के से भी लड़ पड़ता है और किसी भी कीमत पर उसके प्राण बचाना चाहता है। इसीलिए अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने में खुश होता है और संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी के प्राण को दे नहीं सकता तो उसे किसी के प्राणों को लेने का अधिकार भी नहीं है। प्रश्न 2, यह हरिण शावक पावत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। जवाब, पर्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई भी फर्क नहीं होता है, दोनों ही में समानता होती है। यदि कोई भी घायल होता है दोनों में से, अर्थात मनुष्य या प्राणी कोई भी घायल होता है, तो उन दोनों को ही दर्द होता है। इसीलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीयता का रिश्ता है, अर्थात एक ही जीव होने का रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध माना जाता है, उसी तरह पशु पक्षियों का शिकार करना भी अपराध माना जाता है, उन्हें मारना गुनाह माना जाता है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी भी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति नहीं मान सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वहाँ के रहने वाले, अर्थात वहाँ के निवासी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं कि पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपनों से अलग नहीं मानते हैं। प्रश्न 6, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आस्तरण, आस्तरण यानि बिछौना या बिस्तर। फिर रुष्ट, रुष्ट का अर्थ होता है क्रुद्ध। दुर्वा यानि डूब, आखेट यानि शिकार। बाल मित्रों, अब इसका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। फिर प्रश्न 7, विशेषण बनाइए। शरीर का विशेषण होगा शारीरिक, गांव का गवार, प्रदेश का प्रादेशिक, दिन का दैनिक और पीड़ा का
पीड़ित। प्रश्न 8, भाववाचक संज्ञा बनाइए। उसमें कोमल, कोमल की भाववाचक संज्ञा है कोमलता, बहुत की बहुतायत और रुष्ट की रुष्टि। अब है प्रश्न 9, दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है लहु, तो लहु का होगा खून, तो रक्त, खून और रक्त। हरिण का होगा मृग और हिरण। ऋतु का मौसम और रुत, और दूध का होगा पेय और दुग्ध। अब है प्रश्न 10, सविग्रह समास भेद बताइए। अनुसरण, अनुसरण अर्थात पीछे पीछे जाना, यह कर्मधारय समास है। हिरण शावक, हिरण का शावक अर्थात यह तत्पुरुष समास है। फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यह अव्ययी भाव समास है। और निः शस्त्र मतलब शस्त्र के बिना, यह भी अव्ययी भाव समास है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।